ठीक लग रहा है, दूसरा भी दिखाओ। एंगेजमेंट है मेरी, तैयार होगी नहीं मैं मेकअप, हम तो वीडियो कॉल नहीं करेंगे, मैं सरप्राइज। बाय, लव यू। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तू आना भी आते मेरे या नहीं? रेडी टू गो ऑन माय एंगेजमेंट। कांग्रेचुलेशंस, ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूं। हमने सोचा भी था यार इतनी जल्दी शादी होती है। तो आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत ही ज्यादा हैक्टिक डे और सुबह से कभी कुछ ना कुछ हो रही। तो आज मैं लुधियाना दिव्या मेक ओवर पे आई हूँ, तो मैं मिलवा देती हूँ। आ जाइए आप प्लीज, है ना। तो इन्होंने सुबह से बहुत जान खा रखी है मेरे, कभी नेल्स चेंज करा रहे हैं, बोले आईलैशेस भी उतार लो, बोले वीडियो भी बना लो, फिर कह रहे व्लॉग भी बना लो। तो सुबह से बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं देखो, हमने बहुत कोशिश करी है क्योंकि उनका ना ये है कि मोटिव की मुझे प्रिंसेस लुक देना है, तो इन्होंने सोचा प्रिंसेस के साथ साथ पूरा ओके रिपोर्ट वाला पैम्पर भी कर देती हूँ आज इनको। तो अभी मैंने वैसे सोचा था कि मैं अभी थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा तो मैंने जेल एक्सटेंशन कराए थे, उन्होंने सोचा था कि मैं वो ही कराऊंगी, बट मुझे इन्होंने रिकमेंड किया कि हम प्रिंसेस करेंगे, तो आपने थोड़ा रुका। तो अब हम सेमी परमानेंट एक्सटेंशंस करने वाले हैं और ये एकदम एक रेलिक की ही लुक देगा, आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये कौन से वाले करे हैं। तो सारा ब्लॉग देखना जरूर, खप मिलेगी, लुक मिलेगी मेरी, कैसा मैं कैसे रेडी हुई ये वो। तो ना ये लोग ना मुझे ब्लॉग भी नहीं लेते दे रहे, एक जाना बोल रहे मैम हाथ मिलाने पॉलिश शुरू है, ये बोल रहे सिर नहीं हिलाना, उधर से वो बोल रही है चाय आ गई है, चाय पी लो, चाय ये देखो शुरू हो गई है। तो इधर आओ, इसको तो बहुत देर बाद मिल रहे हो गए अभी मेरे ब्लॉग में। हेलो करो, हाय। आपको सिखाया नहीं करो लोग कैसे? सबको सारे हो सारे। तो एक गलती हो गई थी छोटी सी मेरे से, इट्स नॉट दिव्या, इट्स दिवा मेकओवर, डिस्क्रिप्शन पे दूंगी जाके जरूर चेक करना। सो अब हम इनके हेयर एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो हमने हेयर स्टाइल प्लान आउट की है उसमें हमारे बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए, बहुत ज्यादा डेंसिटी चाहिए, तो हमारे इनके ऑलरेडी वैसे एक्सटेंशन लगे हुए हैं तो हम फिर से इनके एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं क्योंकि आगे के फ्रंट हेयर तो शॉर्ट ही है एनीवेज, तो इन्होंने बोला कि वो भी कवर अप हो जाएंगे, प्रॉपर लुक आ जाएगी और जो लुक करने वाले वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो अभी मैं रिवील नहीं करूंगी यहाँ पे कौन सी लुक है, नहीं तो आप सारा ब्लॉग भी देखोगे मेरा। तो अभी हम हेयर एक्सटेंशंस ऐड कर रहे हैं, क्लिप ऑन्स कहते हैं ना ये, क्लिप ऑन एक्सटेंशंस हैं। दिस इज बिल्कुल ये ह्यूमन हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं, ये प्लास्टिक हेयर्स हैं, ये ऐसे वाले नहीं जिसके ऊपर आप हीट यूज करते हो, सो बट ये दिखने में एकदम ह्यूमन हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं, बट दीज आर प्लास्टिक। मुझे लगता नहीं कि लेंथ मैच होगी मेरी, हो जाएगी। हाँ हम इसको पीछे से लगाने वाले हैं, नॉट फ्रॉम आपसे। तो दिशा तो पीछे लगी हुई है, निशु पूरा ही देखी सारा, इसको दिशा को दिखा जरा, उसको कोई है ही नहीं लेना देना, वो अपनी ना वीडियो बना रही है, उसको मैंने बोल क्या दिया कि सिनेमैटिक शॉट्स निकाल ली, वो तो शुरू ही हो गई हट्टी नहीं। कितनी स्पेस है? बहुत, बस कर इधर भी आ गया यार, फोन क्या बात कर रही, दिखा दी मेरा दिखा तो दे फोन अपना, फोन दिखा दे। तो आज हमारे पास दो ज्वेलरी है, एक तो ये है, एक हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन सेट है, एंड अभी हम चूज करने वाले हैं कि हम कौन सा डालें। सो दिस इज बाय रॉयल्टी ज्वेलर्स एंड इनकी बहुत अच्छी डिजाइनिंग भी होती है। एंगेजमेंट के लिए मैं प्रॉपर तैयार हो रही हूं। मम्मी का था कंपनी नाइस कवर अप, नाइस कवर अप। तो फिर ये तो बताया नहीं कि मेरी शादी है तभी तो मैं आई हूं, सॉरी एंगेजमेंट है, मतलब जब बताया नहीं कि आज एंगेजमेंट के लिए, आज एंगेजमेंट है, हम लड़का बाद में ढूंढेंगे, मेरा क्या कर लिए। ऐसे भी बेइज्जती ना करो, लड़का बैठा है मंडप में आएगा आज रात। अरे यार कोई है, सो हम नंबर 1 सेट का ट्रायल ले रहे हैं कि ये कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है, दूसरा भी दिखाओ कौन सा है, चलो हम फिर ज्वेलरी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हम पहला सेट बना के देख रहे हैं। ठीक ठीक है, कोई और दिखाओ, मेरी शादी है यार, ये बहुत सुंदर लग रहा है, यही वाला करते हैं। हाँ
तो हम यही यूज करने वाले हैं। अच्छा, इसके एयरिंग्स भी कैसे हैं? आई थिंक इट्स मेड फॉर मी बिकॉज इट सूट्स मी। यस, अपनी तारीफ आपकी। सो हम लेंस चेंज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ज़हाब के आर्गन लेंस फॉर हर। तो मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे कि अपने लॉन्ग नेल्स के साथ लेंस कैसे लगाते हो, तो आज डेमो देखती हूँ। तो देखा, एक सेकंड में मैंने डाल लिया इतने बड़े नेल्स के साथ भी। ये तो टैलेंट है ना। तो ये ना जो आपके लेंस है ना, ये मुझे ऐसे पर्सनली फील हो रहा है कि थोड़ी इरिटेट कर रही है, क्योंकि मैं फ्रेश लुक यूज़ करती हूँ और फ्रेश लुक के बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये थोड़ी सी इरिटेट कर रहे हैं। बाकी अब जो दो यूज़ करते हैं कमेंट करके बताना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम शुरू करने वाले हैं स्किन प्रेप से। आज मैं नहीं ना इस व्लॉग में, तो बोरिंग तो लग रहा। नहीं नहीं, आप एंट्री करें प्लीज़ मोनिका। हेलो गाइस, बड़ी देर बाद मिल रही हूँ। तो यार तैयार हो गई, नई एंगेजमेंट है मेरी, तैयार हो गई नहीं। मैं मेकअप कराने आई हूँ, तेरे आउटफिट ले आई है। हाँ, मैं टिशू दे दो यार, टिशू भी चाहिए। सरप्राइज है वो, इसलिए फिर मैं आपको शो नहीं करी, दिखा नहीं रही। तो शुरू करने वाले हैं जीजू से डलवा देना, ठीक है। पर सबको बता की कैसी, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है तुझे? मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, बट अब आ गया। तो एनीवेज, ऑल द बेस्ट, खुशियाँ बनाएंगे हम आती जाती और क्या, भंगड़े डालेंगे। पर अभी शादी को तो टाइम है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कब है शादी। सो लॉट ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन कि हमारे जब ग्लिटर्स नीचे गिर जाते हैं तो हमारे उनको कैसे क्लीन करना है। ऑब्वियसली जब आप वाइप से भी क्लीन करोगे, कुछ ना कुछ रेसिड्यू रह जाता है, एज यू कैन सी। पहले तो मैं इनको वाइप से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यूज द फिंगर्स, नाउ विल जस्ट लुक अप एंड यू कैन सी सारी ग्लिटर्स इस पे आ जाती है। इट्स दैट इजी, लेट्स डू इट अगेन ऑन द नोज एंड कम्स आउट हियर। तो हम करेक्टिंग करने लगे हैं फेस की। वी हैव यूज्ड ऑरेंज करेक्टर हियर, नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट। तो अब हम शनैल का फाउंडेशन यूज करने वाले हैं। ये दिखा, फ्रीदा माड़ा जा इत्थे भी ला दो, थोड़ा जा टचअप कर दो, चल इत्थे ला दो 12,000 दा वा। बस नहीं तो वो भी दस दो ना, डेली बेस के यूज करना चाहिए। हाँ, तो कुछ टिप्स दे दो जो भी देखने वाले व्लॉगर्स है, व्यूअर्स है। हाँ, थोड़ी गर्ल्स है जो मुझे बहुत मेकअप के बारे में पूछती है, तो मेरा मुंह ना खुला पाउडर भी लगाने वाले हैं। वैसे है पर
ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਓ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸ਼ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਦੇਖੋ कैमरामैन बहुत मेहनती है एक घंटे तो इधर ही खड़ा वा चाह च बुला चाह पानी च बुला दो इन्हों सब खाए कले कले खाए वो देख लो नहीं वो पूछ रहे गोल गप्पे खाने यार गो अभी ना अच्छा आप गोल गप्पे खिलाओगे एक सेकंड जीजा का फोन आया व्लॉग ओ जीजा जी नहीं नहीं अब बात तो कर लो हाँ किन्नी बस तैयार हो रही सी हाँ जी मेकअप हो रहा है हाँ सिंड्रेला बन रही हूँ सारे हो गए तैयार आप हो गए हम तो वीडियो कॉल नहीं करनी अभी मैं सरप्राइज हाँ वीडियो कॉल नहीं करनी यार मिसी ले ही जा रही है यार फिर क्या हुआ जीजू अब रिवील हो ही जाएंगे थोड़े दिनों में ओके बाय लव यू हाय एडा प्यार तो गाइज आई एम ऑल रेडी फॉर माई नाउ इंगेजमेंट मैं प्रॉपर तैयार हो चुकी हूँ देखो कितनी सोनी लग रही है कमेंट करके जरूर दसो कि मैं लग रही है ऑल क्रेडिट गोज टू हर फॉर मेकिंग मी लुक सो लाइक प्रिंसेस वाली फीलिंग वाओ वाली फीलिंग आ रही है बट आई एम नेचुरली बहुत सुंदर हो थैंक यू आई हैव नेवर यूज यू नो ब्लैक काजल इन माई आईज बट मैंने आज लगाई है तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है पर ऐसे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हाँ सही लग रहा है तो ये कमेंट करके बताना सोहना लगता मोनिका और मेरे सारे फिल्मर दिशा वगैरह तैयार होने के तो बस मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी हमें मैंने कहा चलो फोटो फोटो के चाह रहे थे वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे तो गाइस आई एम ऑल डन विद माय लुक एंड आई एम रेडी टू गो ऑन माय एंगेजमेंट बट ये वाला ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी अपना सारा शूट और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो जरूर कर लेना एक और बात हम आपको मेंशन करते हैं वो आपको ये बताएंगे तो हमारा प्रो कोर्स भी आ रहा है इन लुधियाना अगर किसी को इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो यहाँ पे हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम बहुत सारे लुक्स सिखा रहे हैं ऐसे इंटरनेशनल लुक्स भी सिखाए जाएंगे और इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बनोगे हाँ तो इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें